सौरव जैसी बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी है भाई। अपनी प्राइवेसी मांगना ऑनलाइन बहुत ही खराब चीज होती है, तो बहुत घमंडी है। मतलब बड़ा क्यूट दिखता है, मतलब बहुत क्यूट दिखता है। मुझे सौरभ जैसे ए बहुत क्यूट लगता तेरे को है। मैं हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग बोल रही ओ है, सॉरी, ये चैनल बोल रही वेलकम बैक टू माय है। ब्लॉग। अभिषेक का तबीयत बहुत 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 ज्यादा खराब है। अभिषेक का बहुत जबड़ा दुख रहा है, सर दुख रहा है, बहुत कुछ दुख रहा है। घर में पेन किलर नहीं है, तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो सारे दुकान बंद रहते हैं। तो शाम होते ही सबसे पहले पेन किलर लेके आना। और क्या क्या तकलीफ हो रहा है तुमको? नहीं एक्चुअली मेरी आवाज़ पता चल रहा हो बहुत ना, ये नाक पूरा जाम है, सर्दी हो चुका है बहुत कड़क वाला। मुझे हुआ है, अमिता को हुआ है, चीकू को पहले हुआ था एंड चीकू को होने के बाद में वो मुंह पे आके ऐसे करके खांसती थी, मुंह पे जबरदस्ती खांसती थी, पूरा फैला डाली। मतलब देख मेरा बुला रही है। तो ऐसा खांसती थी, अब वो दोनों को फैला दी, अमिता को भी हो गया, मेरे को भी हो गया। तो बेसिकली ये बीमारी जो है, मतलब ये मतलब बोल सकते हो क्या, फ्लू सीजन चल रहा है अभी, सबका बीमारी रहता है क्योंकि ठंडा आ रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले चीकू को हुआ, स्कूल में शायद किसी से मतलब तबीयत खराब होगा बच्चों का, तो उस वहां से लेके आई, वहां से घर पे लेके आई, हम लोग के मुंह पे छींकती थी, खांसती थी, सब कुछ करती थी। उसके बाद मेरे को थोड़ा हुआ, फिर मेरे से लेके अभिषेक को हो गया। और अभिषेक कल से बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रहा है। हाँ, सर्दी हो चुका है, सर दर्द, नाक दर्द, नाक बंद हो चुका है। इसको भी कल तक बहुत ज्यादा खांसी था चीकू को, तो कल तो तुरंत इसको जैसे ही एक दो बार खांसी, हम लोगों ने तुरंत डॉक्टर प्रिस्क्राइब दवाई लेके आए। बट अभी अभिषेक का मतलब गर्म पानी, भाप, ये सब चल रहा है। तो होपफुली आज का दिन जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। आज संडे है, कल कल भी उसका छुट्टी है, तो अभी कुछ बाहर जाने का प्लान नहीं है। कल शायद तूने ब्लॉग नहीं बनाया था ना? नहीं कल ब्लॉग नहीं हाँ, तो बना, कल तबीयत खराब तो कल भी ब्लॉग नहीं बना पाया आज भी क्योंकि मेरा इच्छा नहीं कर रहा बनाने का भाई। बहुत बहुत मतलब ना, ये मेरा जो ये एरिया इसे स्कल, ये जो जबड़ा है ना यार, मैं ओपन नहीं कर पा रहा, बहुत दुख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भाई क्या बोलूं, सर एकदम किसी ने पत्थर रख दिया है, नाक में किसी ने उंगली डाल के रखा है, निकाल नहीं रहा है। और जबड़ा तो जैसे मैं अगर कुछ भी करूँ ना, बहुत पेन कर रहा है जबड़ा, तो मेरे को पेन किलर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। सुबह से फील हो रहा था, बट ऐसा नहीं लगा कि क्या क्या हो रहा है। बट अभी थोड़ा सा क्लैरिटी जब आया कि भाई बहुत ज्यादा पेन हो रहा, तब लग रहा पेन किलर मिल जाए तो काम हो जाएगा। सुबह में बहुत दवाई लेके आई थी। सुबह में क्या क्या, डाइजिन लेके आई, क्रोसिन लेके आई, फिर विक्स लेके आई। तब अगर मुझे बोल देता कि कुछ पेन किलर भी चाहिए तो मैं तुरंत लेके आती, बट तब वैसा कुछ था नहीं, वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था, तो मैं बोला भी नहीं और मैं लेके भी नहीं आई। तो अभी वेस्ट बंगाल में मोस्ट ऑफ द प्लेस, मतलब आप 80% जगह पे क्या होता है ना कि दुकान बंद रहते, दुकान बंद रहते क्योंकि दुकानदार लोग खाने जाते हैं, सोने जाते हैं दोपहर को। और यहाँ पे भी वही है, सारे तीन तीन दवाई का दुकान है, तीनों के तीनों बंद है। अभी 5 साढ़े 5 बजे वो लोग खोलते हैं, तो जैसे ही दुकान खुलेगा सबसे पहले हमको लेके आना है पेन किलर। तो तब तक अभिषेक को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड आज चीकू बहुत मस्ती के मूड में है ना? कल तक इसको भी बहुत ज्यादा खांसी था, अभी दवाई लेके थोड़ा बहुत ठीक हुआ है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? मार इसको, मार क्यों मार रहा बीमारी है फैल, इसको? बीमारी फैलाइए, मार मार इसको, मार इसको, बीमारी फैलाइए। तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसका तो वो तो करती रहती है, मतलब मुंह के सामने खांसना छींकना, तो ऑब्वियसली वो जानबूझ के नहीं करती है। बट इनिशियल जो स्टेज है हम लोग का बीमारी का, उसी से आया है और वो स्कूल से लेके आई है ना? चिकू, चिकू, ए चिकू, क्या कर रही है तू? बहू बनी है? हाँ, बहू बनी है, बोल तो, क्यूट सी बहू बनी है। देख अभी भी उसका नाक सरसरा रहा है, अभी भी नाक इसका, ये भगवान, अभी भी नाक बह रहा है इसका। क्यों मार रहा है इसको? बोले बच्चे को हट, मार दूंगा मैं संदीप मोको। आज सो आज के ब्लॉग में तुम्हारा कंटेंट क्या होगा? बीमारी? मेरा कंटेंट होगा सौरव जोशी ब्लॉग। सौरभ जोशी ब्लॉग। आज मेरा कंटेंट है कि मैं सौरव जोशी ब्लॉग को मैंने
अप्रिशिएट करूंगा कि वो इतनी मेहनत करता है, इतनी ये करता है, फोकस रहता है अपने वीडियोस में एवरीथिंग। एंड वो बहुत घमंडी है यार, बहुत घमंडी है। मतलब अपनी प्राइवेसी मांगना ऑनलाइन बहुत ही खराब चीज़ होती है, तो बहुत घमंडी है। मतलब मैं दिन में, मैं अगर सौरभ जोशी होता तो मुझे अगर लोग दिन में 100 जन मिले और फिर 101 बंदा आया, तो मैंने उस पर थोड़ा सा चिल्ला दिया, मतलब मैं रिएक्ट नहीं किया, मैंने उसको फोटो नहीं दी, लेकिन उससे पहले मैंने 100 जन को फोटो दी है ना यार, तो मैं घमंडी हूँ एज अगर मैं सौरभ जोशी होता तो। एग्जैक्टली बोल रहा है। क्योंकि मैं यू नो थोड़ी सी प्राइवेसी मांग रहा था। मैं खाना खाने गया हूँ कहीं पे, अगर मैं सौरभ जोशी हूँ, मैंने खाना खाने गया, फिर भी मैंने सोचा कि चलो खाना छोड़ के चार लोग फोटो खिंचाने हैं, फोटो खिंचा लेता हूँ। अब मैं ऐसे करते करते भूखा रह जाऊँ तो क्या होगा, मतलब बंदे भूखा रह गया तो क्या होगा, लेकिन फोटो खिंचना बहुत जरूरी है। अब सोचो मैंने फोटो नहीं खिंचाया, मैंने बोला कि भाई मुझे थोड़ा देर माफ कर दो, मुझे खाना खाने दे दो, तो मैं घमंडी कैसे भाई, मैं घमंडी हो गया। तो मैं घमंडी हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी, मैंने वो प्राइवेसी मांगी, तो मैं घमंडी हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग तो समझ ही रहे हो कि मैं घमंडी हूँ। तो अगर मैं सौरभ जोशी हूँ तो आई टोटली एग्री कि मैं घमंडी हूँ, मैं घमंडी हूँ भाई। मैं, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं थोड़ी सी प्राइवेसी अपने लिए मांग लूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, कहीं मतलब रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तेरा मुंह आउटिंग इतना पे जा थरथरा रहा हूँ। रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू अगेंस्ट पे बोल रहा है या सपोर्ट पे बोल रहा है। मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, मैं सौरभ जोशी, मैं घमंडी हूँ। वाह 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 मैं वाह घमंड, वाह 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 मैं वाह बोल ही रहा हूँ ना, मैं बाहर गया, रेस्टोरेंट में गया, घूमने गया, आउटिंग में गया, कहीं पे मैं सबको फोटो दे रहा हूँ, लेकिन उसी बीच में मैं थोड़ी सी प्राइवेसी मांग के बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक थोड़ा सा मतलब काम है, ये है वो है, मैं फोटो अभी नहीं खिंचा सकता, मैं घमंडी हूँ, मैं ये घमंडी आया हूँ, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है ये, बहुत ज्यादा चल रहा है। लोग यहाँ वहां देख रहा हूँ कि हर कोई वीडियो उठा के बना दे रहा है, सौरभ जोशी घमंडी है, सौरभ जोशी घमंडी है। तो मैं मुझे वही तो बोलना वो चाह बार रहा हूँ, बड़ा क्यूट दिखता है, मतलब बहुत क्यूट दिखता है, मुझे सौरभ जैसे ए बहुत क्यूट तेरे लगता को है। मैं क्यूट लगना चाहिए, समझी ना, सौरभ जोशी नहीं नहीं, इसको सौरभ जोशी क्विक क्यूट लग रहा अरे है। मैं जनरली बोल रही हूँ, मेरे को आ ये बेटा बंदा, बहुत मुक्का खाएगी तो सबकी अरे तबीयत खराब है, मैं कमजोर है तो क्या। तभी तो बोलने का फायदा है। बोल रही, सौरभ जोशी इसको बहुत क्यूट लगता हाँ मतलब है। बच्चा बच्चा दिखता है, बहुत क्यूट दिखता है, मतलब बहुत लेकिन क्यूट है और बहुत कम उम्र में बहुत नाम क्या कमाया हो गया, सौरभ जोशी बहुत घमंडी है, है। बहुत घमंडी है भाई, बहुत नमस्ते घमंडी है। मतलब क्या बोलूँ ना, कि उसको बिल्कुल हक नहीं है कि वो चैन से खाना खाए, उसको बिल्कुल हक नहीं है कि वो चैन से थोड़ा घूम ले, उसको बिल्कुल हक नहीं है कि वो घर से भी बाहर निकले, उसको हक ही नहीं है, कोई देखना नहीं चाहिए उसको, बहुत घमंडी है भाई, बहुत घमंडी है। उसको सुकून नहीं मिलना चाहिए, एक पल का भी सुकून मत देना उसको, थोड़ा सा भी सुकून मिल जाए उसको तो उसको बोलना तुम बहुत घमंडी हो, सीधा 1 मिनट का सुकून मिला कैसे उसको, नहीं बहुत घमंडी है भाई। पर्सनल स्पेस नाम की चीज नहीं होती है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। आपने अपने आप को यूट्यूब पे यू नो पब्लिश कर दिया है, दिया यूट्यूब पे बेच दिया अपने आप को, तो आप फैंस के हो, आपके साथ जो चाहे वो कर सकती है, आपका कोई प्राइवेट टाइम नहीं होता है, प्राइवेसी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप ओपन टू ऑल हो। आपसे आपको जब जो मिले, आपको अपना काम धंधा छोड़ के पहले उनको प्रायोरिटी देना बस बस इसको थोड़ा देख लो, इसको पड़ता थोड़ा देख लो। ओ है। बाप रे, कराटे कराटे सीखिए चिकू। कराटे। हाँ क्यूट मेरा बच्चा है ना, मैं बच्चे क्यूट क्यूट क्यूट। मुंह दिखा दे, थोड़ा दिखा दे। ओ